यमुनानगर में नगर निगम के चुनावों को लेकर सुबह से मतदान जारी है। सुबह से मतदान शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन अब दोपहर के साथ ही विवादों की खबर भी सामने आने लगी है। विवाद सबसे पहले सामने आया है वार्ड नंबर 16 से, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट इस्लाम गुर्जर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का नाम है इस्लाम गुर्जर और उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट संजय शर्मा के साथ ITI बूथ नंबर 4 पर मारपीट की। आप भी सुनिए कि संजय शर्मा किस तरह से अपनी आपबीती बता रहे हैं। मैं अंदर ड्यूटी है मेरी, रिलीवर में हूँ, मैं उधर से मैं आ रहा था, उन्होंने आते ही मेरे को मारना शुरू कर दिया। मैं उधर से आता हूँ, उन्होंने अंदर मारा मेरे को, सारे प्रशासन देखती रही, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। मेरे को मारते मारते फिर यहाँ तक लेके आया, लात घुसे बजाए मेरे को, फिर खड़ी रहे सारे, मतलब आपकी यहाँ पर क्या ड्यूटी है और किसने मारपीट की आपके साथ? मेरी सर 100 मतलब बूथ नंबर 4 पे मेरी ड्यूटी है और मैं रिलीवर पे उसमें हूँ। उसने तो किसने मारपीट की आपके साथ? इस्लाम गुज्जर जी ने। कांग्रेस से? कांग्रेस से। तो आप किसके पोलिंग एजेंट हैं? मैं सर ये संदीप धीमान जी का, बीजेपी के। तो क्यों की आपके साथ मारपीट? सारी बता रही मेरे को, तो कहता रहा हूँ सर, मैं उधर से अंदर से आया, उन्होंने बस आते ही मेरे को मारना शुरू कर दिया। मैं कहता रह गया सर कि मैं एजेंट हूँ, उन्होंने माना ही नहीं, मारते मेरे को बाहर तक लेके आए। पुलिस को कंप्लेंट दे दी आपने? हाँ सर, मैंने लिखवाई तो है, पर्चा लिख दिया तो। वहीं इस पूरे मामले के बाद यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा मौके पर पहुंचे और उन्होंने फर्कपुर के थाना प्रभारी से बातचीत की। वहीं इस मामले में शिकायत पुलिस को भी दे दी गई है और पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई है। सत्य खबर के लिए यमुनानगर से सुमित ओबरॉय की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।